वही गोवा के 30 वर्षीय टिंकेश कौशिक ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रचा है क्योंकि वे विकलांग हैं। बता दें 11 मई को शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद टिंकेश ने चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी की। 30 वर्षीय टिंकेश जो कि ट्रिपल एमयूटी है, वे बताते हैं कि 9 साल की उम्र में हरियाणा में बिजली का झटका लगने से एक हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपने घुटने के नीचे दोनों पैर और एक हाथ को खो दिया। कृत्रिम अंग लगवाने के बाद टिंकेश गोवा चले गए, वहां वे एक फिटनेस कोच के रूप में काम करते थे। बता दें समुद्र तल से 17,598 फीट ऊपर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले पहले ट्रिपल एम्प्यूटी बन गए हैं। टिंकेश कहते हैं कि उनको शुरू में लगता था कि यह चढ़ाई आसान होगी क्योंकि वे फिटनेस कोच है, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां आती गई उन्हें पता चला कि यह आसान नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे ट्रैकिंग चुनौतीपूर्ण लगी लेकिन दूसरे दिन मैंने ठान लिया था कि मैं ये पूरा करके रहूंगा। उन्होंने बताया कि बीच में कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई, माउंटेन बाउट के सामने भी करने पड़े, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करके मैंने यात्रा पूरी कर ली।